सुप्रभात बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। नाम से क्लियर हो रहा है, ड्रिफ्ट विस्थापन मतलब जैसे आज महाद्वीप है पहले वैसे नहीं थे। विस्थापित किया गया, अब विस्थापित ऐसे तो नहीं किया उठा के रख दिया गया, कुछ फोर्सेस लगी, उनके बारे में तो बाद में डिस्कस करेंगे, पहले करेंगे ये क्या है क्या। 1912 में एक थ्योरी दी थी वैगनर ने, जिसका नाम दिया गया था कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, और 1924 में इसको रिवाइज किया गया। इसमें माना गया था कि जितने भी कॉन्टिनेंट्स हैं वो सारे एक ही जगह थे, जो लैंड मास था वो पूरा एक ही जगह था, जिसको नाम दिया गया था पेंजिया। और जो इसका नॉर्दर्न पार्ट था जिसमें नॉर्थ अमेरिका, यूरोप, एशिया, उसको नाम दिया गया था लॉरेशिया। और सदर्न पार्ट जो पेंजिया का था, जिसमें साउथ अमेरिका, अफ्रीका, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, एंटार्क्टिका, इनको नाम दिया गया कोंडवानालैंड का। और इन बिटवीन लॉरेशिया एंड कोंडवानालैंड एक सेपरेट करने वाला, इन दोनों को सेपरेट करने वाला एक नैरो ओशन था, जिसका नाम था टैथिस सी। अब धीरे धीरे क्या हुआ, ये कॉन्टिनेंट अलग होते चले गए। इसमें मैं आपको एक डायग्राम दिखा रहा हूं जस्ट, कि पेंजिया कहां है, लॉरेशिया कहां है, गोंडवानालैंड कहां है, टैथिस ओशन कहां है, और ये कैसे अलग हुए, ये तो बाद में बात करेंगे। इसके लिए थ्योरी आएगी बाद में, चिक्स ऑफ इट थ्योरी आएगी, उसका डिस्कस हम वैगनर ने दी थी, इसका डिस्कस हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। फिलहाल हम यही समझेंगे इसमें कि कॉन्टिनेंट्स पहले एक जगह कैसे थे और बाद में कैसे अलग हुए। इसके प्रमाण भी आपको दिए जाएंगे, बताए जाएंगे। एक बार ये डायग्राम देखिए जरा, इसमें देखिए, इस डायग्राम में फर्स्ट डायग्राम है, 3300 मिलियन ईयर्स एगो का है। इसमें देखिए बीच में अफ्रीका, इधर इंडिया है, सब एक सारे इकट्ठे नजर आ रहे हैं। सेकंड डायग्राम में आप देखेंगे जो 50 मिलियन ईयर्स एगो का था, अफ्रीका थोड़ा अलग हुआ, नॉर्थ साउथ अमेरिका अलग हुआ, इंडिया थोड़ा सा अलग सा उठ गया, ऑस्ट्रेलिया नीचे चला गया। और जो थर्ड डायग्राम है इसमें आप देखेंगे 1 मिलियन ईयर्स एगो का, इसमें आज की स्थिति नजर आ रही है आपको, आज के कॉन्टिनेंट्स कैसे हैं। तो इसमें यही है डायग्राम सर, कि कॉन्टिनेंट्स पहले एक थे जिसका नाम पेंजिया था, एंटायर ओशन के चारों ओर था, बाद में वो सब ये कॉन्टिनेंट्स अलग अलग हो गए और एक नया थ्योरी आई जो वैगनर ने दी थी, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। इसको आप देखें, इसके बाद बाकी बातें इसमें हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक्स।